अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 7 का। क्वेश्चन को सम को पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दी जाए, आप फोर्थ चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 99% आंसर वहीं से निकल जाएगा। क्लियर? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। इरफान सेज दैट, इरफान ने क्या कहा, ही हैज 7 मार्बल मोर, मोर का मीनिंग ज्यादा, किससे, 5 टाइम्स द मार्बल, 5 टाइम्स, 5 टाइम का मीनिंग 5 मल्टीप्लाई, किससे, परनीत हैज, परनीत के पास कितने मार्बल है हमें नहीं पता, तो क्या लिखेंगे, एक्स, इरफान के पास कितने हैं 37 इज इक्वल टू 37। एक बार दोबारा से करते हैं, इरफान ने कहा 7 मार्बल ज्यादा है तो प्लस 7, किससे, 5 टाइम्स ही मार्बल परनीत है, तो परनीत के पास कितने मार्बल हमें नहीं पता, तो एक्स, तो 5x। हाउ मेनी मार्बल्स डस परनीत है, परनीत के पास कितने मार्बल है हमें नहीं पता, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परनीत हैज टू बी एक्स, या एम ले लीजिए आप, लीजिए आपने एक्स लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37, तो 5x 37 माइनस 7, 5x इज इक्वल टू 30, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 30/5, तो x की वैल्यू 5 6 30, इसका मतलब परनीत के पास कितने मार्बल थे 6 मार्बल, तो क्या लिहाज में लिखेंगे 6 मार्बल्स है परनीत हैज, या फिर परनीत हैज टू बी मार्बल 6, तो 6 मार्बल परनीत। क्लियर? ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। सेकंड है, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, व्हाट इज लक्ष्मी एज, लक्ष्मी फादर की एज कितनी है 49, अगर 49 है तो सबसे पहले इसको इज इक्वल टू में लिख लीजिए, उसके बाद 4 ईयर ओल्डर, 4 ईयर ओल्डर का मीनिंग क्या है, यहां पर 4 ईयर ओल्डर का मीनिंग माइनस प्लस नहीं है लेकिन माइनस प्लस भी है, वो कैसे अभी देखते हैं, बी पार्ट इसका, लक्ष्मी फादर की एज 49, इसको लिख लीजिए आप पहले इक्वल टू 49, ही इज 4 ईयर ओल्डर, 4 साल ओल्डर है, ओल्डर का मीनिंग यहां पर क्या होगा 4 ईयर ओल्डर, 3 टाइम्स दी लक्ष्मी एज, व्हाट इज द लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज आपको नहीं पता, क्या लिखेंगे, लेट लक्ष्मी एज इज इक्वल टू एक्स ईयर ओल्ड, ठीक, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर ओल्डर, यहां पर क्या करेंगे हम, किससे, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, आपको अगर 3 टाइम लक्ष्मी एज, 4 ईयर ओल्डर का मीनिंग आपको बता रहा हूं यहाँ पर, इसका मीनिंग अगर 49 है तो क्या करना है आपने माइनस 4, इसका मीनिंग है यंगर, ओल्डर का मीनिंग है उससे थोड़ा सा 4 साल कम, तो 49 माइनस 4 तो 3x 45 मल्टीप्लाई में x है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे डिवाइड करेंगे 3 1 3 3 5 15, एक्स कितना आ गया आपके पास 50, इसका मीनिंग लक्ष्मी की एज आ गई आपके पास 15 ईयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट, इसमें क्या लिखा है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, सुंदरग्राम एक गांव है, उन्होंने अपने गांव में क्या किया, प्लांटेड ट्रीज, पेड़ पौधे लगाए, पेड़ लगाए, किस चीज के, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ पेड़ तो क्या है फल के और कुछ क्या है बिना फल के, नॉन फ्रूट ट्रीज, अब नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं हमें फाइंड आउट करना है, वो कैसे, टू मोर देन दी, जो मेन स्टेटमेंट आपकी यहां से ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है,
टू मोर देन, इसका मीनिंग प्लस टू दो हो जाता है किससे, थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स मतलब थ्री मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज आपको नहीं पता तो हमने कहा थ्री है, बट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। हमें फ्रूट ट्रीज नहीं पता कितने हैं, लेकिन इतना पता है नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं आपके 77। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। सुंदरग्राम गांव में लोगों ने क्या किया, पेड़ लगाए, कुछ पेड़ तो क्या है फ्रूट के और कुछ क्या है नॉन फ्रूट ट्रीज। अब फ्रूट ट्रीज हमें फाइंड आउट करना है, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको क्या लिखते हैं हम, लेट, लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इक्वल टू एक्स, उसके बाद नंबर ऑफ नॉन फ्रूट। अब ये तो आ गया आपके पास फ्रूट ट्रीज एक्स, नॉन फ्रूट ट्रीज आपको नहीं पता तो हमने क्या दिया है वहां पर टू एड मतलब टू मोर देन थ्री टाइम्स इन नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज एंड टोटल कितना आपका 77। इसको सॉल्व आउट करिए, थ्री मल्टीप्लाई एक्स 77 माइनस टू थ्री एक्स 75, एक्स कितना जाएगा आपके पास 75 बाय 3। जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे डिवाइड करेंगे 375, 3 टू 6 3 5 15, एक्स कितना आ जाएगा आपके पास 25। एक्स 25 है, इसका मीनिंग नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने आ गए आपके पास 25। क्लियर, अगर वेरिफिकेशन करेंगे भी आपका आंसर ठीक है या नहीं है तो क्या करेंगे 25 को यहां पर ऐड करिए, 25 3 सा 75 प्लस 2 77, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।